अज मैं थोड़े सामने आज़ादी दिवस बारे कुछ विचार लैके पेश हुई हाँ। 15 अगस्त 1947 एक अजिहा दिन है जिस दिन साडा भारत अंग्रेज़ों के जुल्म तो आज़ाद होया सी, जिसनों असी आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हाँ। इस इन्हां विच लखां वीरां ने अपनियां कुरबानियां दे के भारत नूं आज़ाद करवाया। इस विच भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि होर उधम सिंह, लाल लाजपत राय आदि ने अपनियां कुरबानियां दे के भारत नूं आज़ाद करवाया। अज करोना काल दे चलदियां असीं 15 अगस्त के 75वें समागम ते इकट्ठे तो नहीं हो सकते, पर असीं उन्हां वीरां नूं किवें भुल सकते हाँ जिन्हां ने साडे देश लई सब कुछ कुरबान दिता। छोटी उम्र विच ही उन्होंने फांसी दे फंदे नूं चुम के ही अपना बलिदान दिता। भगत सिंह दियां इह दो लाइनां अज भी लोग बड़े शौक नाल गाउंदे हन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। महात्मा गांधी जी एक बहुत चंग व्यक्ति सी, उन्होंने सारे देश नूं अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अहिंसा के रास्ते ते चलदियां लड़ाई लड़ी। अखीर 15 अगस्त 1947 दिन एक ये दिन आया कि लाला अल्लाह पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने दिल्ली में लाल किले विखे आज़ाद भारत का झंडा लहराया। उन्होंने असी बहुत खुशकिस्मत हाँ कि वीर ने सानू वो जमीन दी जिथे शांति ते खुशी है। असी उन्होंने किंज भूल सकते हाँ जिन्हें सानू खुशी ना रहना सिखाया। हाँ अज यूनान मिस्र सब मिट गए, यहाँ सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। भारत लोकतंत्री देश, भारत सब तो वड्डा लोकतंत्री देश है। अज जदों दुनिया कोरोना वर्गी महामारी नाल जूझ रही है तो भारत पिछे नहीं हट रहा। भारत ने ही दुनिया नू पैरासीटामोल, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन वर्गियां दवाइयां दे के इस तो पता लगता है कि साइंस ते टेक्नोलॉजी भी भारत पिछे नहीं हट रहे। उन्होंने इस विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत विच मैं कहना चाहवांगी ही कि भारत साडी मां भूमि ते कर्म भूमि है। इस विच असी सच्चे नागरिक होण दे नाते साडा इह जिम्मेवारी है कि भारत नूं विश्व विच सर्वश्रेष्ठ बनाइए। मेरे भारत लई इह दो लाइनां, दो शब्द, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए यहाँ से, अब तक मिटा ना नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती रुकती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती रुकती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जहाँ वैर हो हमारा। जय हिंद, जय